सोनबरसा बालापार स्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में संचालित गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संयुक्त तत्वाधान में स्वस्थ जीवन की नई चुनौतियां विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मानसून के बाद उत्पन्न होने वाले बीमारियों के लक्षण और उपचार पर चर्चा की गई। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि कोविड के बाद दुनिया का स्वास्थ्य संसार बदला है। बदलते पर्यावरणीय परिवर्तन, रहन सहन, दिनचर्या, खाद्य पदार्थों के उत्पादन एवं रख रखाव में रासायनिक पदार्थों के उपयोग से बदलती दुनिया में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवाओं के समक्ष अनेक नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। इन चुनौतियों का सामना सूझबूझ, नए शोध, व्यवस्थित दिनचर्या एवं नित नूतन उपचारात्मक विधियों से ही किया जा सकता है। भारत आज इन स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करने में समर्थ होता हुआ स्वावलंबन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस मौके पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजकिशोर सिंह ने अनडिफरेंटेड ट्रॉपिकल फीवर के बारे में कारण, बचाव, निदान व चिकित्सा के संबंध में विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यूटीएफ कई तरह की बीमारियों का एक बॉक्सेट है। इसमें प्रमुख रूप से स्क्रब टाइफस, डेंगू फीवर, टाइफाइड, मलेरिया, लैक्टोस्पाइरोसिस, चिकनगुनिया, जीका फीवर व इंसेफ्लाइटिस सम्मिलित हैं। संगोष्ठी की अध्यक्षता कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने किया। इस मौके पर गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य डॉक्टर DS अजीथा, आयुर्वेद कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर P सुरेश, आयुर्वेद चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर SN सिंह, संहिता शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित कुमार M, एनाटॉमी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नर्सिंग की प्राचार्य डॉक्टर DS अजीथा और कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने कहा, कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड, बट आपके लेवल पे हमारे लिए अनडिफ्रेंशिएटेड ट्रॉपिकल फीवर इन ऑल ट्रॉपिकल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग गोरखपुर, जिसको हम बहुत दिन से इंसेफ्लाइटिस समझ रहे थे, उसमें से 30% केसेज पता लगे कुछ साल तक कि वो स्क्रब टाइफस, क्योंकि हमारे पास, हम रिसोर्स पुअर सेटिंग से हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, हम लैब डायग्नोसिस यूज नहीं कर पाए। वर्ल्ड वाइड जो डाटा है, किसी ने गूगल करके देखा है? गूगल करके देखिएगा आज आप। और उसके बाद से जो दूसरा नंबर है, पर ईयर करीब करीब 9 लाख डेथ्स इज ड्यू टू मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, और उसके बाद सेकेंड नंबर जो है 6 लाख डेथ्स आर बाई ह्यूमंस, हम एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। तो सेकेंड डेंजरस एनिमल इज, डेडलीस्ट एनिमल इज ह्यूमन, हम खुद हैं। एंड थर्ड इज स्नेक, सिर्फ 1 लाख लोगों को मारता है पूरी दुनिया में एक साल में, लेकिन हम सबसे अधिक इससे डरते हैं, सांप से, है ना? कितनी बीमारियां मच्छर करता है कोई बता पाएगा? बहुत सारी बीमारियां करता है। ये जितने ट्रॉपिकल फीवर्स हैं उसमें मलेरिया और डेंगू, मलेरिया जो बहुत कॉमन है, डेंगू भी बहुत कॉमन है, ये किससे होता है? मच्छर से होता है, डिफरेंट वेराइटीज। अकेला मच्छर सब पे भारी, सबसे खतरनाक, सबसे मारक जीव है इस धरा पर। सेकेंड आदमी खुद ही सबसे मारक है, इसके बाद सांप, स्नेक। क्या चैलेंज है? अब इतना ठीक है, हमारे दिमाग में एक बन गया कि अनडिफ्रेंशिएटेड ट्रॉपिकल फीवर क्या है। दूसरी बात हमारे दिमाग में बन गई कि उसके अंदर कौन सी 5 बीमारियां हमको मेनली समझनी है, जाननी है। तो फिर चैलेंज क्या है? जब ये बीमारियां भी हम जान रहे हैं तो क्या चैलेंज है? चैलेंज ये है कि ये जितने अनडिफ्रेंशिएटेड फीवर हैं क्लस्टर ड्यूरिंग मानसून एंड पोस्ट मानसून, और मानसून के जस्ट बाद अचानक से इनकी बाढ़ आ जाती है। पूरा BRD या कोई भी हेल्थ फैसिलिटी, कोई भी प्राइवेट, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी एकदम भर जाता है,
वेट कम पड़ जाते हैं फीवर के केसेस, एक बड़ा चैलेंज है ये। क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन है इतना ओवरलैपिंग है, सब में फीवर ही होगा, किसी में कोई लोकलाइजिंग फीचर्स नहीं मिलेंगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज। और कभी कभी लेट प्रेजेंटेशन होता है तो दे कम्स विथ ऑर्गन फेल्योर, किसी में लीवर रीनल कुछ फेल्योर हो गया ड्यू टू प्रोलॉन्ग फीवर, तो क्या हुआ उसके कारण से क्या हो गया और पहचानना मुश्किल हो जाता है। ए टिपिकल प्रेजेंटेशन बहुत कॉमन है, को इन्फेक्शन, कई बार एक ही बंदे में दो इन्फेक्शन हो गया, बट रेयर है। टेस्ट जो है हमारे रेडली अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल हैं उनमें भी फॉल्स निगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं। इधर सेमिनार स्टूडेंट्स के लिए हैं, सो फॉर स्टूडेंट्स ओनली वी हैव अरेंज्ड लाइक इन सर्विस एजुकेशन क्लासेस ओनली, स्टूडेंट्स आर अपडेटिंग देयर नॉलेज। वी गॉट एमिनेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम डिफरेंट एम्स एज वेल एज फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज एंड डिफरेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स दे आर डिस्कसिंग एंड दे आर प्रेजेंटिंग देयर कंटेंट टू द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर लर्निंग एज वेल एज द टीचर्स आर गेटिंग अपडेटिंग देयर नॉलेजेस थ्रू दिस एजुकेशनल प्रोग्राम, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ टीचर्स एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स। ये कार्यशाला स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला है। इसमें हमारे वक्ता जो ट्रॉपिकल डिसीज़ हैं, जो डिसीज़ जो कि पूर्वांचल में होती हैं और नॉर्थ इंडिया के अंदर होती हैं, उत्तर भारत के अंदर होती हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन दे रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि मानसून के बाद कुछ बीमारियाँ एकदम बढ़ जाती हैं, और ये बिल्कुल सही समय है कि बच्चों को बिल्कुल ऐसा ज्ञान दिया जाए जिससे उनको बीमारी को पहचानने में और उसके इलाज में कोई तकलीफ ना हो। कैसे उनकी मेडिकल केयर करी जाए, कैसे नर्सिंग केयर की जाए, इसके बारे में हम लोग हमेशा से सचेत रहे हैं, और चूंकि उत्तम किस्म का बिल्कुल साइंटिफिक नॉलेज देना चाहते हैं इसलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है।